अजमेर के ब्यावर रोड स्थित कृषि अनाज मंडी में अल सुबह तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और दूर से ही आग का गुबार दिखाई देने लगा। आग की सूचना पर अग्निशमन के दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तेज हवाओं के चलते आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। आग को बुझाने के लिए अब तक 2 दर्जन से अधिक दमकल मौके पर पहुंची, जिस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। भीषण आग की सूचना पर रामगंज थाना पुलिस व थाना अधिकारी गोमाराम मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के उचित दिशा निर्देश दिए गए। तेल की गोदाम से आग बढ़ते हुए अन्य अनाज व शुगर के साथ पशु आहार के गोदामों में भी लग गई। तेल का गोदाम पार्वती मिल के मालिक भगवान दास का बताया जा रहा है। आग के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं लग पाया है। वहीं आग हवाओं के चलते अन्य अनाज गोदामों में भी पहुंच रही है। अग्निशमन विभाग आग को बुझाने में जुटा हुआ है। आग बुझने के लिए अन्य स्थानों से भी गाड़ियां मंगवानी पड़ रही है। हालांकि इस आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। भीषण आग के बाद भी जिला पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी अभी भी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। आग शॉर्ट सर्किट से लगना बता रहे हैं। मेरे पास तो करीब 5:45 आदमी का फ़ोन आया था, तो 5:45 हमने अग्नि इसको फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया था। वो करीब 6:15 आई है, उसके बाद से लगातार लगे हुए हैं और आग अभी तक भी कंट्रोल में नहीं हो रही है। कितनी गाड़ियाँ आई थी? गाड़ियाँ तो मेरे साथ 15-20 गाड़ियाँ तो आ चुकी है। सर काय का गोदाम था? ये तेल का गोदाम है, तेल ऑयल का गोदाम है। इसमें मतलब एजेंसी टाइप भी काम है, मतलब बाहर से माल भी आता है और यहाँ भी माल पैक करते हैं। किस नाम से है? ये पार्वती एल्म के नाम से है। अपना हेड ऑफिस वहाँ पड़ाव में है। एक चीज़ ये पूछा, कृषि मंडी के? हाँ, NOC ले रखी है। ये अपना गोडाउन है, मतलब कृषि मंडी में ये किराए का नहीं है, अपना ओन गोडाउन है। गोदाम के अंदर भी तेल रखना? हाँ हाँ हाँ, रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले कभी हादसा हुआ कोई? ऐसा नहीं, ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ। नहीं, मिल में लगी थी ना वो? तो हाँ, मिल में लगी थी। करीब कितने का? वो तो थी इसमें करीब, अब यहाँ करीब ये मान लो प्रॉपर्टी समेत करीब 1 से बाहर का नुकसान, 1 करोड़ से बाहर का नुकसान है। 1 करोड़ के बाद? हाँ, 1 करोड़ से बाहर का नुकसान है। बाकी अभी स्टॉक देखें मालूम पड़े तो कैसा क्या है। 6:30 हमें इतना मिली थी फायर कंट्रोल रूम को कि यहाँ पे कृषि उपज मंडी में आग लग गई है। ये पता नहीं किसमें आग लगी थी। जब आके देखा तो यहाँ पे एक ऑयल का जो एक गोदाम है उसमें आग लगी हुई थी और वो अभी भी लग रही है। काफ़ी 2-2.5 घंटे हो गए हमें बुझाते हुए। इसमें ऑयल के पीपे थे और उसमें ऑयल का स्टोरेज भी था, तो हमने बहुत कोशिश करी आग बुझाने की। अब चल रही है, उसको आगे भी नहीं बढ़ने दिया है। दूसरी जगह से गाड़ी मंगाई है, गेल से मंगाई है, SP से मंगाई है, खुद हमारी गाड़ी में लगी हुई, हमारे फायर अफसर साहब लगे हुए हैं, मीणा जी गौरव तंवर साहब लगे हुए हैं, FO पूरा स्टाफ लगा हुआ है। करीब 22-23 जो है गाड़ियाँ लगा दी हमने, अभी भी कंट्रोल नहीं हुई आग, और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, संसाधन अभी थोड़े से हमारे स्टाफ की थोड़ी कमी है, वो पूर्ति हो जाएगी कुछ अर्से में। कौन सा संसाधन चाहिए था जिससे एकदम आग बुझ? जो संसाधन उपलब्ध थे वो तो सारे हमारे पास आ गए, क्योंकि रात की शिफ्ट थी इसलिए सुबह दूसरा स्टाफ अभी आके उसको टेक ओवर किया है। और संसाधन और ले रहे हैं हम लोग, 5 गाड़ियाँ और ले रहे हैं फायर ब्रिगेड की, और वो आ जाएंगी 2-4 महीने में। स्पेशल फॉर्म्स की मदद से इसको? हाँ, फॉर्म इसमें डाला है गाड़ी के अंदर, फॉर्म का इस्तेमाल हुआ ज़्यादातर, लगातार फॉर्म और पानी का इस्तेमाल होगा। आज ब्यावर रोड दोराई के अंदर है, यहाँ करीबन 180 दुकानें हैं। 180 दुकानों में ये दुकान संख्या 52 पार्वती ऑयल मिल के नाम से है। यहाँ क्या है, बाहर से इस पार्वती ऑयल मिल के बाहर से तेल के टैंकर आते हैं, टैंकर तेल के होके उनकी टंकियों में डाल के रिफिलिंग होके और उसके अंदर से रिफिल होके पैक पाउच 3 पैक होके जाते हैं। ये कृषि उपज मंडी समिति अनाज अजमेर में पहली दरमियान इस संबंध में आग लगी है। आग के पास क्या है कि पशु आहार का भी काम है, तो 52 नंबर 53 नंबर 1 नंबर जो गोदाम है उसमें पशु आहार के तौर पर जैसे खल है, खल क्या है, तेल से जो मूंगफली की सीड से बनती है तो उसमें से जो वो उसका वेस्टेज निकलता है उसको खल कहते हैं, तो खल के होने से इसमें भयंकर आग लग गई। तो तेल के साथ खल, खल के साथ पशु आहार, आसपास में चीनी के गोदाम है, उसमें भयंकर आग लग गई है। आग पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर फायर ब्रिगेड के इतने जो फायर इंस्टीट्यूट जो व्यापारियों के पास भी साधन नहीं है कि भाई इसको कोई आकस्मिक कोई आग लग जाए तो उस आग को बुझाया जा सके। फायर ब्रिगेड को करीबन 20-25 गाड़ियाँ गेल की, नगर निगम की, आसपास के नगर निकायों की, सबकी गाड़ियाँ आ गई, आग पर कंट्रोल पा रहा है। तेल फटने का अंदेशा है, तेल का टैंकर से बड़ी जनहानि की संभावना है। राजस्थान सरकार की नई आवंटन नीति 2005 के संशोधित नियम 2016 के तहत ये दुकान मील के नाम से आवंटित है। मील का एक कोटा होता है, उस कोटे के तहत ही ये आवंटित की गई। इसकी इनकी एक मील पार्वती ऑयल मील में ही है, पर वो शहर के मध्य में स्थित होने के कारण इसको मंडी के अंदर रिफिलिंग वगैरह का काम के लिए ले रखा है। ये वैसे नाजायज नहीं है, मंडी तौर पर अलॉटमेंट के तहत से मील के कोटे से ये आवंटित हुई है दुकान।